मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज अजय। आई एम लेक्चरर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हमारा सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और हमने लास्ट लेक्चर में मैकेनिकल स्क्रू जैक किया था। आज हम इसका पार्ट टू करेंगे। आगे इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे। कल के हम लेक्चर में हमने ये वाली बॉडी जो थी हमने ये ड्रॉ की थी, ये वाली। अब इसमें हमने क्या क्या किया था, इसमें हमने पहले सेंटर लाइन लगाई, ये वाली सेंटर लाइन। के बाद हमने ये डायमीटर लगाया, फिर ये वाला लगाया, फिर ये बॉडी बनाई हमने, फिर ये वाला। और इसके बाद हम आज करेंगे इसके बाद ये वाला। जब हमारी ये बॉडी बन जाएगी उसके बाद ये कुछ नीचे वाला कुछ हिस्सा ऐसा दिखेगा, ये वाला ऐसा दिखेगा। जब ये बॉडी बन जाएगी तो उसके बाद ये पार्ट लगेगा हमारा, ये वाला। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारा ऐसा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो हम कैसे पेपर में अगर आएगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें ये देखिए, जो हमें डायमीटर दिया है यहाँ पे 50, तो हमने यहाँ पे देखना है कि 50 डायमीटर किसका है, तो वो कौन सा पार्ट है जो हमारा यहाँ पे फिट होगा। तो यहाँ पे देखो कि ये हमारा 50 डायमीटर है, तो इसका मतलब ये हमारा पार्ट यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फिट करें, क्या करेंगे, जब ये ड्रॉ हो जाएगा तो उसके बाद जो ये कॉलर है ये इसके ऊपर ऐसे हम रेस्ट पर इसके ऊपर रख देंगे, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ अंदर कर देंगे। 50 mm का डायमीटर अंदर लग जाएगा, ये वाला। ऐसे ही हम हेड लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसकी जो हाइट है 45 है, तो हम यहाँ पे इसकी हाइट भी 45, यहाँ से लेके 45 रखेंगे। कैसे कि ये चीज़ जो है हमारी यहाँ पे इसके ऊपर बिल्कुल आनी चाहिए, इसके ऊपर आनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या करेंगे, जब ये हमारा ये ड्रॉ हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये स्क्रू स्पिंडल लगाना है, ये वाला। ये स्क्रू स्पिंडल जो इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करके जब हम करेंगे, ये इंसर्ट हम ऐसे कर देंगे, ये वाला इसके अंदर से इंसर्ट होगा। इसका कैसे पता चलेगा, ये देखिए इसका डायमीटर है 50 mm, तो हमें यहाँ पे भी देखना है कि इसका डायमीटर कितना है। देखिए ये देखो, ये ये रहा इसका डायमीटर, ये। अभी इसको हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। जब हम इंसर्ट करेंगे कैसे करेंगे, हमें इसके जब हमारी ये बॉडी बन जाएगी, ये वाली ये पार्ट बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके सेंटर से इधर को लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर को लाइन ड्रॉ करके हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद जैसा ये पूरा बना है वैसा हम इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद ये हमारा ये वाला हिस्सा ये ड्रॉ हो जाएगा, ये वाला। जब हम ड्रॉ कर इसके बाद हमारा जो इसमें फिट होगा ये वाला पार्ट कप, इसका जो कप है वो इसके ऊपर फिट होगा। तो जब इसको फिट करेंगे तो इसका ये पूरा ऐसा हम क्या करेंगे, यहाँ इसके स्पिंडल के जो है हमारा ये स्क्रू स्पिंडल इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, इसको ऐसा कुछ ऐसे ड्रॉ कर देंगे। जब ड्रॉ करेंगे ऐसे कुछ ड्रॉ हो जाएगा इसके सेंटर के ऊपर, ये वाला चीज़ ऐसे ड्रॉ होने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट लगेगा, वाशर लगेगी। वाशर को हम यहाँ पे फिट कर देंगे, यहाँ इस यहाँ पे वाशर लग जाएगी। जब वाशर लगेगी तो वाशर के बाद हमारा क्या होगा, ये स्क्रू लग जाएगा।
ये वाला स्क्रू दिख रहा है, ये देखिए ये स्क्रू यहाँ पे फिट हो जाएगा। और स्क्रू फिट करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो अब नेक्स्ट है हमारा जो टॉमी बार है वो कहाँ पे फिट होगी। जब टॉमी बार हम यहाँ पे फिट करेंगे, ऐसे फिट करेंगे, जब यहाँ पे फिट होगी, ये इधर जब फिट कर देंगे हम यहाँ पे, इसको हम एक्सटेंशन जितनी लेंथ दी हुई है हम उसके अकॉर्डिंग इसको लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। जब हमारा ये ड्रॉ हो जाएगा उसके नेक्स्ट काम है हमारा इसकी डिमेंशनिंग करना। तो डिमेंशनिंग कैसे डिमेंशनिंग करेंगे, सेक्शनिंग करेंगे। तो जहाँ पर रॉड इंसर्ट हुई है उसको हम डॉटेड लाइन में शो कर देंगे, क्योंकि ये उस पार्ट के अंदर है तो हमें बाहर से पूरा नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन में शो करेंगे। तो इधर भी हम क्या करेंगे, ये पूरा कवर होगा तो इसलिए हमें इसको डॉटेड लाइन शो की है, और इस साइड हमारी सेक्शनिंग वाली है तो इस लाइन को हम सेक्शनिंग बोलते हैं, सेक्शनिंग पार्ट है, इसको हम सेक्शनिंग में ऐसे कर देंगे। जैसे इसकी सेक्शनिंग जो हमने की है इस तरफ की है, इस तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या है जो नेक्स्ट पार्ट आ गया इसकी हम सेक्शनिंग दूसरी साइड कर देंगे। यहाँ पे भी हमने सेक्शनिंग की, उसके बाद हमारा बनेगा टॉप व्यू। टॉप व्यू के लिए क्या करेंगे, जितने भी इसके अंदर डायमीटर आ रहे हैं ना वो सभी हमने ड्रॉ कर देने हैं। हमने प्रोजेक्शन ड्राइंग भी की है, जैसे देखिए ये वाला यहाँ पे लाइन कर रही है मैंने, ये देखिए ये वाला डायमीटर आउटर डायमीटर बन गया, ये वाला उसके बाद ये इनर डायमीटर बन जाएगा, ये यहाँ पे, फिर ये कप का डायमीटर बन जाएगा, फिर ये स्पिंडल का डायमीटर भी बन जाएगा। यहाँ पे सभी डायमीटर जो भी जितने भी डायमीटर दिए गए ना वो सभी हमने क्या कर लेने, ड्रॉ कर लेने, इनर डायमीटर ये वाला, और उसके बाद हमारा नट का डायमीटर, ये सभी हमने इसकी सेंटर लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं। जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो फिर जो स्पिंडल है हमारी वो फ्रंट व्यू से भी ऐसे ही दिखेगी और टॉप व्यू में भी ऐसी ही दिखेगी। तो हम इसको भी इंसर्ट करके ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो हमारी जो असेंबली है स्क्रू मैकेनिकल स्क्रू जब की वो कंप्लीट हो जाएगी। ये कुछ कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगी। तो एग्ज़ाम में भी हमें क्या करना है, पहले तो हमें ये वाला व्यू ड्रॉ करना है, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा पार्ट लगेगा, ये वाला पार्ट लगेगा, इसके बाद ये ड्रॉ कर देना है, फिर ये हमें ये स्क्रू स्पिंडल ड्रॉ कर देना है, फिर इसके बाद कप को ड्रॉ करेंगे, फिर वाशर लग जाएगी हमारी यहाँ पे ये वाली, वाशर के बाद हम नट फिट करके तो इसका फ्रंट व्यू जो है हमारा बन जाएगा। तो इसको अगर हम टॉप से देखेंगे, ये फ्रंट व्यू हो गया तो टॉप से देखेंगे तो ये सर्कल दिखेंगे सभी। तो हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास ये सर्कल बनेंगे, ये डायमीटर्स हैं जहाँ पे जितने भी डायमीटर दिए गए ना, जितने भी डायमीटर हैं सभी हमने ऐसे ड्रॉ कर लेने हैं, तो हमारा वो टॉप व्यू बन जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो।